तो दोस्तों फाइनली एंड्रॉइड 16 के अंदर आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा जो कि होगा मटेरियल एक्सप्रेसिव। देखा है तो गूगल ने एंड्रॉइड शो रखा था आईओ एडिशन, जिसके अंदर उन्होंने एंड्रॉइड 16 का एक फर्स्ट और एक नया लुक यहाँ पे शोकेस किया और वो था मटेरियल 3। बेसिकली मटेरियल डिजाइन एंड्रॉइड 5 के साथ सबसे पहले आया था, इसके बाद मटेरियल यू देखने को मिला था एंड्रॉइड 12 के साथ, और एंड्रॉइड 16 में जो गूगल है वो एंड्रॉइड के अंदर मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन को ला रही है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको नए एनिमेशन देखने को मिलेंगे, आपको नए आइकन्स देखने को मिलेंगे, नई टाइपोग्राफी देखने को मिलेगी, कलर थीम्स होगी और एक रिफाइंड लेआउट देखने को मिलेगा। और देखा तो उसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करें तो इनहेंस्ड कलर थीमिंग है, अपडेटेड यूआई कंपोनेंट है, इसके साथ ही जो फिजिक्स रहती है जिसका आपका जो इंटरेक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ होगा, नोटिफिकेशन का, ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग का, यानी कि सारी चीजों को दोबारा से रीडिजाइन किया गया और एक नया लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है एंड्रॉइड को, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो गया था और काफी लंबे समय से उन्होंने कोई चेंज नहीं किया था। और देखा तो एंड्रॉइड 16 के साथ ये एक अडेप्टेशन लेना काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो एंड्रॉइड ने काफी सारी चीजें करी है और यहाँ पे अपने आपको पहले से ज्यादा बेटर बनाया और यूजर इंटरफेस को सही बनाए, लेकिन ये अभी के सभी सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस में आएगा, जिसके अंदर जून के महीने में ऑफिशियल अपडेट सभी फोन्स में आ जाएगा, लेकिन आपके रेगुलर स्मार्टफोन तक आने में हो सकता है इसे टाइम लगे, क्योंकि कई सारी कंपनीज अपने खुद के यूआई स्किन्स चलाती हैं और उसके अंदर अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करते कुछ एलिमेंट्स यहां से लेती हैं, तो आप तक इसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एंड्रॉइड 16 से एक डिजाइन के अंदर जो चेंजेस होता है वो अब यहां पे आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही जो डिजाइन चेंजेस होंगे ये सिर्फ स्मार्टफोन तक नहीं, ये जो वीआर ओएस होता है वहां पर, यानी कि जो पिक्सल वॉच होती है उसमें भी नोटिस किया जाएगा। और इसके साथ ही ये लोगों ने जेमिनाई के साथ भी इंटीग्रेशन किया, यानी कि पिक्सल फोन्स के अंदर जेमिनाई का इंटीग्रेशन है, नॉर्मल फोन्स के अंदर भी जाएगा, वॉचेस के अंदर भी जेमिनाई का इंटीग्रेशन जाएगा, इवन स्मार्ट टीवी के अंदर भी ये लोग जेमिनाई को इंटीग्रेट करेंगे। और ये भी पता चला कि एंड्रॉइड XR के अंदर भी काम हो रहा है, यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। और इसके साथ ही एंड्रॉइड अपने एक्सटेंडेड रियलिटी प्लेटफॉर्म पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, सैमसंग के साथ इसका हेडसेट यहाँ पर आ सकता है, हालांकि हेडसेट वगैरह अभी शोकेस नहीं किया, वो जो शायद आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन ये एक चीज है जहां पे जो गूगल है वो बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर रही है। इसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे टेलीकॉम रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो है कि वोडाफोन आइडिया ने फाइनली जो अपना 5G होता है उसको रोल आउट कर दिया, और ये रोल आउट अभी के समय में दिल्ली NCR में हुआ है। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जितने भी 17 सर्कल्स का उनके पास लाइसेंस है सब जगह ये लोग यहाँ पे 5G को रोल आउट कर देंगे बाय अगस्त 2025। लेकिन ये मत समझना कि अगस्त 2025 तक पूरे इंडिया में वोडाफोन आइडिया का 5G आ जाएगा, वोडाफोन आइडिया का 5G को आने में टाइम लगेगा और आने वाले 3 साल तक ये पूरे इंडिया को कवर करेंगे, यानी कि 17 सर्कल तक धीरे धीरे तो 5G इनेबल हो जाएगा, लेकिन पूरे इंडिया तक 5G को पहुंचने में भी 3 साल लगेंगे, जो थोड़ा सा स्लो है और काफी ज्यादा लेट है, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल और जियो इस रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसके साथ ही जो वोडाफोन आइडिया है ना, ये अभी 5G के नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क को लाने वाला है, तो ये भी एक चीज रहेगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है, वो थी एयरटेल को लेके। एयरटेल ने हाल ही में अपने स्पैम डिटेक्शन का इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किया। हाल ही में स्पैम डिटेक्शन वाला फीचर ये लोग अपने SMS और यहाँ पे अपनी जो कॉलिंग सर्विस होती है वहां पे लाए थे, जहां पे आपको पोटेंशियल फ्रॉड या पोटेंशियल स्कैम देखने को मिलता है। लेकिन अब इन लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिसके अंदर अगर आपके पास कोई मलिशियस लिंक आएगा और वो स्कैम करने वाला होगा, लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक को वो बैक एंड में ही ब्लॉक कर देंगे कि ये लिंक की जो वेबसाइट है वो आपकी ओपन ना हो, ताकि आपको स्कैम वगैरह से बचाया जा सके। अब ये टेक्नोलॉजी डिटेल में किस तरीके से काम कर रही हो, कितना इफेक्टिव रहेगी, ये एक बात रहेगी, लेकिन हाँ एयरटेल आज भी इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज आती है ऑनर इंडिया की तरफ से। देखो यहाँ पे रिपोर्ट से पता चलता है कि जो एक्सप्लोर ऑनर है वो अपना जो पेज रहता है वो यहाँ पे खत्म कर रही है, और एक्सप्लोर ऑनर की जो कम्युनिटी थी उसे वो अब अल्काटेल की कम्युनिटी बना रहे हैं, क्योंकि माधव शेट अब खुद अल्काटेल के साथ भी एसोसिएटेड है एज वेल एज ऑनर के साथ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम बताऊं क्या, कि यहाँ पे ऑनर के प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्या ऑनर कंपनी इंडिया में रहेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि हमें ये पता चलता है कि जो हाई ऑनर इंडिया के जो पेजेस है वो अभी भी एक्टिव रहेंगे, जो पहले ऑनर ग्लोबल यहाँ पे चलाती थी, और ये हो सकता है कि शायद अब एच टैग की जगह ऑनर कंपनी ही डायरेक्टली इंडिया के अंदर एंट्री ले। हालांकि ये भी समझ में आता है कि ऑनर कंपनी के ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। हालांकि अभी भी कंफर्म करके बता पाना काफी मुश्किल है, क्या ऑनर कंपनी ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, ये एक बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिया जैसे मार्केट को ऑनर कंपनी छोड़ेगी नहीं आसानी से, वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से इंडिया में अपनी एंट्री करेंगे, क्योंकि इंडिया काफी ल्यूक्रेटिव और ऑनर के लिए जैसा ब्रांड है यहाँ पे काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है।
लेकिन ऑनर के साथ हमेशा से दिक्कत ये रही थी जब से दोनों ने कमबैक लिया था 2023 में कि वो अपने फोन्स को इंडिया में नहीं बना रहे और जो फोन्स थे वो सभी इंपोर्ट होकर ला रहे थे, जिस कारण से इंडिया में फोन्स तो बन ही नहीं रहे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग न होने के कारण कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी और आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कतें थी, यानी कि वो लोग बाहर से फोन लाके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला मेथड था लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता। मेरे को लगता है कि अगर ऑफिशियल तरीके से इंडिया में अपनी खुद की प्रोडक्शन लगा, नए प्रोडक्ट्स लेकर और इंडिया एक्सक्लूसिव काम करे तो एक अच्छी चीज होगी इधर। इसके साथ ही बात कर तो OnePlus रिलेटेड भी न्यूज है। OnePlus का क्वार्टर 1 2025 का मार्केट शेयर की रिपोर्ट आई और पता चलता है कि 51% का ड्रॉप है। और सबसे बड़ी बात इधर ये कि OnePlus को लगातार पिछले 5 क्वार्टर से ड्रॉप देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी सेल्स यहाँ पे तेजी से गिरती हुई जा रही है। हालांकि OnePlus उसको रिवाइव और कमबैक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात इधर ये रहेगी OnePlus इसे किस तरीके से सस्टेन करता है और क्या लंबे समय तक ये जो डिप आ रहा है इसको पॉजिटिव यहाँ पे ले जाता है, क्योंकि हाल ही में OnePlus भी अपना OnePlus 13s जैसा एक स्मार्टफोन निकालने की प्लानिंग कर रहा है जिस पे OnePlus बहुत ज्यादा बैट कर रहा है। तब देखने वाली बात है क्या OnePlus अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो प्रीमियमनेस जो लेकर आ रहे हैं, क्या ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बात है। क्योंकि अभी OnePlus का है ना वो यहाँ पे उसकी हालत उतनी खास चल नहीं रही। इसके साथ ही बात करें तो OnePlus के अलावा जिसका जो काउंटर पार्ट देखे जैसे नथिंग को, तो नथिंग काफी सही काम कर रहा है। मतलब अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो क्वार्टर 1 2025 में नथिंग, मोटरोला और गूगल ही इंडिया के टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड थे। ऑब्वियसली नथिंग नंबर 1 था जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हुई है क्वार्टर 1 2025 में। सेकंड पोजीशन पर सरप्राइजिंगली गूगल है, गूगल के पिक्सल 9 सीरीज इंडिया में बिकी है और थर्ड पोजीशन पर मोटरोला के फोन आते हैं जो इंडिया में ग्रोथ उनकी काफी अच्छी हो रही है। हालांकि मार्केट शेयर के मामले में बात करें तो मोटरोला अभी भी काफी ज्यादा आ गया। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे नथिंग का नंबर आता है और गूगल पिक्सल का भी नंबर आता है, लेकिन धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर अपनी जो प्रेजेंस होती है वो इंडिया में इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 3 से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, जहाँ पे काहल पे ने एक वीडियो में कंफर्म किया कि नथिंग फोन 3 कीमत 800 pounds होगी। अब 800 pounds इंडिया में लगभग 80-90 हज़ार है और इस कीमत पे तो इंडिया में नहीं आने वाला। फोन 3 के बारे में पता है कि शायद इस फोन को एक प्रीमियम फोन बना के लेकर आएंगे और इस फोन के अंदर काफी टेक्नोलॉजी डालेंगे, लेकिन फिर भी ये 60-70 हज़ार तक ही जाएगा। हालांकि 60 हज़ार रुपए भी नथिंग के लिए काफी ज्यादा महंगा है और मेरे को लगता नहीं है कि कितने ही लोग होंगे जो नथिंग के फोन के लिए 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपए पे करना पसंद करेंगे। मेरी नजर में 50,000 के अराउंड से शुरुआत कर सकते थे एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन बना के, जिसको एक थोड़ा फ्लैगशिप किलर करके प्रेस कर सकते थे इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि अभी लॉन्च में टाइम है, जुलाई अगस्त तक इसका लॉन्च होगा, तब जाकर देखेंगे कि एग्जैक्टली में नथिंग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर कब लेकर आता है और उसके अंदर यहाँ पे आपको क्या नई चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यार, ये थी इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।